सूत्रों के हवाले से आपको बहुत बड़ी खबर दे दें, शिवपाल को 6 सीटें ऑफर की गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है जिस पर सहमति लगभग बन चुकी है। शिवपाल को गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, जसराना और मुबारकपुर के साथ ही गाजीपुर की 1 सीट दी गई है, ऑफर की गई है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और खबर यह भी है कि शिवपाल गुन्नौर और उनके बेटे आदित्य जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। आदित्य के लिए जसवंत नगर सीट मांगी गई है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने मंथन किया और मंथन के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शिवपाल यादव को गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर सीटें ऑफर की गई हैं। और इसी खबर पर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जानकारी मिल रही है कि 6 सीटें शिवपाल यादव को ऑफर की गई हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस दिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के घर पे जाके मुलाकात की थी उसी दिन ये तय था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अगर सीटें तय होंगी तो कितनी सीटें तय होंगी। एबीपी गंगा ने सबसे पहले कहा था कि 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने रजामंदी जताई है और शिवपाल 10 से 11 सीटें मांग रहे थे। आज फिर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के घर गए, आज सुबह वो उनके घर पहुंचे हैं और वहां पर चर्चा हुई है। वहां पर भी इसी बात की चर्चा रही कि कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन 5 सीटें जैसा एबीपी गंगा ने कहा था उसमें से 1 सीट जो गाजीपुर की 1 सीट बताई जा रही है वो शामिल करके 6 सीटों पर सहमति बनी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। शिवपाल यादव बहुत पहले से जसवंत नगर सीट अपने बेटे आदित्य के लिए मांग रहे थे। जसवंत नगर मुलायम सिंह की सीट थी जिस पर बाद में शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव लड़ा और अब शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि जसवंत नगर से उनका बेटा आदित्य चुनाव लड़े, इस बात को लेकर सुबह चर्चा हुई थी। उसके बाद यहाँ पर शिवपाल यादव निकल गए थे अपने आवास पर और अखिलेश यादव सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में गठबंधन दलों की एक बैठक हुई, उस बैठक में सभी जो गठबंधन के प्रमुख दल थे, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे सुभाषपा हो, प्रसपा हो, कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी हो, अपना दल जो महान दल है वो, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, उनके पदाधिकारी मौजूद थे। सीटों को लेकर चर्चा हुई, उसमें 6 सीटें अखिलेश यादव ने सहमति जताई है जिसमें से जो जसवंत नगर सीट है वो भी है, गुन्नौर 1 सीट है जहां से शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जसवंत नगर से उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है, इसके अलावा जसराना, भोजपुर और गाजीपुर की 1 और सीट है। तो 6 सीटों पर सहमति सूत्र बता रहे हैं कि हो चुकी है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फार्मूला कम से कम प्रसपा से तो निकल ही आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत के साथ क्या फार्मूला होगा, कितनी सीटें होंगी, क्योंकि जयंत की मांग भी 35 सीटों से ज्यादा की है और वहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां स्टैंड देख रही है, कहां खड़ा पा रही है, ये भी तय होना बाकी है। अगर समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति देख रही है तो 35 सीटों से कुछ आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति होगी जो सीटों की खींचतान होती है, जयंत की नाराजगी हो जाएगी अगर 35 सीटें नहीं मिली, क्योंकि उनका बड़ा प्रभाव क्षेत्र में माना जा रहा है। ओपी राजभर के साथ भी सीटों का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 4 सीटें उनकी हैं, तो अगर 4 भी मिल जाती हैं उनको तो उनके लिए नुकसान की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओपी राजभर इस छोटे से इसमें 4 पर ही सहमत हो सकते हैं, 4 से 6। बिल्कुल, और वो बार बार ये बात विवेक कह भी रहे हैं कि उनको सीटों को लेकर कोई उनका सेट पैटर्न नहीं है या कोई बात उन्होंने ऐसी अपनी नहीं रखी है, जितनी सीटें मिलेंगी वो उतनी पर मान जाएंगे।